आज मैं दाल मखनी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम काला उड़द का दाल लिया है, जिसे मैंने 6 से 7 घंटा सोक कर लिया है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। 3 मध्यम आकार के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। 4 हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर। धनिया पत्ता आधी कटोरी। 3 मध्यम आकार के टमाटर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया। अदरक का एक छोटा टुकड़ा, जिसे हम ग्रेट कर लेंगे। लहसुन की 10 कलियां, जिसे मैंने कट कर लिया है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, 2 तेजपत्ता और 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं या ना भी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 कटोरी क्रीम लिया है और 50 ग्राम बटर लिया है। बटर की जगह आप चाहे तो शुद्ध घी भी ले सकते हैं। सबसे पहले उड़द दाल को कुकर में पका लेंगे। इसमें 12 से 15 सीटी लगेगी तेज आंच पर। दाल डाल दिया है, अब पानी डालेंगे। पानी दाल से थोड़ा ऊपर रखा है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सीटी लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल पक गया है। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें हम बटर डालेंगे। जीरा और तेज पत्ता डालेंगे। जीरा फ्राई हो गया है, अब प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल के थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को अच्छा से फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें हम मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, अब इसमें टमाटर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। टमाटर पक के गल जाने के बाद आप चाहे तो इसमें कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम दाल डाल देंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसे हम ढककर पकाएंगे तेज आंच पर 8 से 10 मिनट। 8 मिनट पका लेने के बाद अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, क्रीम डाल देंगे, धनिया पत्ता डालकर 2 मिनट तक मध्यम आंच पर पका लेंगे। दाल हमारा तैयार है, आप इसे क्रीम और धनिया से गार्निश कर सकते हैं।